तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 7 है। पार्ट 7 में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 को सॉल्व करेंगे, जिसका अभी हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू जीरो। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला जो स्टेप होगा आपको ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो जो नंबर होगा वो क्या होगा, 54 इंटू 1। ये पहला स्टेप था। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसको क्या करना है हमको, जो इसको इसको पहले तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है उसको हमको इसको ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करके कैसे लिखोगे, या तो आप देखो 54 जो होता है वो होता है 27 इंटू 2 होता है, ठीक है, 27 2 लिख लो, या तो 9 6 54 होता है। दो तरीके हमको मिले, एक तो 27 इंटू 2, देखो ये जो फैक्टराइजेशन है और ये प्लस माइनस करके कैसे लाना है, ये आप थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना तो आपका माइंड इसका यूज्ड टू हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली आप फैक्टर करके प्लस माइनस करना सीख जाओ। तो अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, प्रेशराइज मत होना, जो सम करवाया है उसको सॉल्व करो, वो आगे जाकर थोड़े सम सॉल्व करने के बाद खुद ही आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तो मैंने इसके दो फैक्टर्स बना दिए, 27 इंटू 2, 9 इंटू 6। अभी हमको नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो क्या है कि जो बीच में नंबर है माइनस 15x हमको लाना है। अब वो कैसे है कि 27 को प्लस माइनस करके 15 आ सकता है बाय एनी चांस, 27 इंटू 2 को 27 और 2 लूँ तो उससे क्या मैं 15 बना सकता हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं बना सकता है। अभी मैं 9 लेता हूँ, 9 और 6 लेता हूँ, क्या 15 बनेगा, हाँ बनेगा। कैसे बनेगा, जब मैं 9 में 6 ऐड करूँगा तो 15 बन जाएगा, लेकिन क्या 15 सिर्फ 15 चाहिए, नहीं, इट इज़ माइनस 15, तो माइनस 15 है और हमको 9 और 6 को मिलाना है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस 9 और माइनस 6 लेना पड़ेगा, है ना। क्यों, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 9 प्लस 6 15 हो जाएगा, साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर 9 है तो माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस हम लेंगे जब तो हमारा आंसर 15 आया होगा, आपको ये समझा होगा, नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे समझ जाओगे इसको। तो क्या हो गया, हमने 9x और 6x हो गया हमारा, 6x हो गया हमारा नंबर और माइनस 9x माइनस 6x, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 6x क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा और ये माइनस का साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर हम लोग लगा देंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं इसमें, अब हम क्या करते हैं इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, इसको ब्रेक करके लिखा है बेसिकली, 6x प्लस में 54 इक्वल्स टू जीरो, हमने इसको अभी करके ब्रेक करके लिख दिया। अभी यहाँ पर क्या कॉमन है, ये वाले पार्ट में x कॉमन है तो x ले लो, x माइनस 9, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन है, देखो यहाँ 54 है, ये 6 है, ठीक है, 6 है और 54 होता है क्या, अभी क्या है 9 इंटू 6 54 होता है ना, तो क्या होगा, ये देखो मैं एक बार वापस लिख कर बता देता हूँ, फिर मैं इसको एडिट कर दूँगा, 9 इंटू 6। अब ये वाले पार्ट में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 6 कॉमन दिख रहा है ना, तो 6 हम लोग बाहर ले लेंगे, क्या बाहर लेंगे, 6 बाहर ले लेंगे, माइनस 6 बाहर लिया मैंने, अंदर ये तो x वैसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ x नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस ऐसे देख कर भी आप कर सकते हो, इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये पार्ट आ गया आपका, देखो अभी दूसरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हम इसको इसको एक तरफ बाहर ले लेंगे, एक्स माइनस 9 और ये क्या, एक्स माइनस 6, तो एक्स माइनस 6, ठीक है, इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 9, एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन हमारी, आई होप आपको ये पार्ट समझा होगा, हमने 6 कैसे कॉमन लिया, 9 इंटू 6 54 था, 6 कॉमन लिया तो 9 बच गया अंदर, ठीक है। आगे करो, एक्स माइनस 9, एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, इंडिविजुअली दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, इक्वल्स 0 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और x इक्वल्स क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हमारी दो इक्वेशन बन जाएगी, x इक्वल 9 और x इक्वल 6। तो द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x इक्वल 9 और x इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम लोग, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप आपको यह क्वेश्चन समझा होगा कैसे कॉमन लेना है, क्या करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा, 2 और 3 तो सिमिलर क्वेश्चन है, देखो यहाँ 13 है और यहाँ 2 है, तो 13 इंटू 2 कर दोगे आप, 13 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब यहाँ 27 बनाना है, क्या कोई चांस है, हाँ 27, एक 1 भी तो एक फैक्टर है, 27 इंटू 1, तो कि 26 और 1 का दो फैक्टर मिल जाएंगे, आप उसको प्लस माइनस करना है या आप खुद देख लेना, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया गया, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाने वाला हूँ, वो दिया हुआ है 5mm² इक्वल्स टू 22m प्लस में 15, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जो फॉर्म है ax² bx के फॉर्म में है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले फॉर्म में लेकर आएंगे, 5m² 22m इधर आएगा तो -22m हो जाएगा, प्लस 15 इधर आएगा तो -15 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी
तो अभी जो स्टेप है हमारा, स्टेप क्या कहता है, इसको इसको मल्टीप्लाई करना होता है, कर लो मल्टीप्लाई। लेकिन हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे नहीं इसको, 15 × 5 करके मैं नहीं लिखूंगा, हमको कुछ ऐसे, और ये नंबर को और ब्रेक कर लो, अगर ये बड़ा नंबर आ गया ना इस बार तो इसको और ब्रेक कर लो। कैसे ब्रेक करोगे, 5 × 3 होता है 15 और ये है 5। तो अभी हमको इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कोई भी दो नंबर बनाना है जिसको प्लस या माइनस करे तो कितना आ जाए, 27 हमारा आ जाए, ठीक है। 22 हमको चाहिए। हमने क्या किया, इसको और फर्दर ब्रेक कर लिया। अब ये क्या ब्रेक होगा, नहीं बिल्कुल, 5 और ब्रेक नहीं होगा, 5 × 1 होगा, बट इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 5 × 3 5, 22 बनाना है। देखो पहले मैं 5 × 3 कर रहा हूँ, 15 हो रहा है और एक 5 रख रहा हूँ, क्या प्लस माइनस करने पे एनी चांस ये 22 देगा, नहीं देगा 22। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अब मैं 5 × 5 करके देख रहा हूँ, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 हुआ, ठीक है, और ये 3 तो वैसे ही रहेगा 3, क्या प्लस या माइनस करने पे 22 देगा, हाँ 25 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझा, हमने फैक्टर कैसे बना दिया, इसका फैक्टर ये बना दिया, क्या है हमारे फैक्टर 22, 25 और 3 हमारे दो फैक्टर है, इधर m है तो m लिख देता हूँ। लेकिन क्या हमको सिर्फ 22 चाहिए, नहीं माइनस 22 चाहिए। माइनस 22 कैसे आएगा, जब 25 के साथ क्या होगा, माइनस 25 होगा, है ना, और इसके साथ क्या होगा, प्लस 3m होगा। कैसे, देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा 25 में से 3m गया तो कितना हो गया, 22m हो गया। अब बड़ा साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर क्या है, माइनस, तो माइनस 22m आ गया, ठीक है। तो माइनस है ना, तो बड़े वाले के साथ हमने माइनस लगाया हुआ है, ठीक है, और 25 में से 3 निकालना है, इसलिए हमने इधर प्लस लगाया हुआ है। तो इधर अगर माइनस लगा था तो 28 हो जाता वो, ठीक है। तो ये पूरा माइनस माइनस प्लस होता फिर तो 28 हो जाता, इसके लिए हमने क्या किया, हमने इसको प्लस लगा दिया, ठीक है। तो हमारे दो फैक्टर हमने बना लिए, अभी हम इक्वेशन बनाएंगे 5m² माइनस में 25m माइनस प्लस में 3m प्लस में 15 इक्वल्स टू 0, हमने इक्वेशन बना लिया। अभी हम इसमें से कॉमन लेने का ट्राई करेंगे। देखो क्या क्या कॉमन है, देखो इधर 25 है, इधर 5 है, हाँ 5 है और 25 है, 25 होता क्या है, 5 × 5 ही 25 होता है, और इधर m 2m है, इधर 1m है, तो क्या कॉमन हो जाएगा, 5m कॉमन हो जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, सिर्फ m बच जाएगा ना, और यहाँ माइनस में 5, यहाँ m तो बचेगा नहीं क्योंकि एक ही m है और m बाहर हो गया। तो देखो अभी आप इसको 5m कॉमन लिया तो इधर m बच गया, क्योंकि इधर 2m था तो एक m बच गया, इधर 5 × 5 25 होता तो एक 5 बाहर ले लिया और एक m बाहर ले लिया, तो m माइनस 5 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ क्या कॉमन ले सकते हो, देखो इधर 3 और इधर 15 है, 3 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो m, सॉरी इधर माइनस है, ये जो सम है इसमें यहाँ पर माइनस है, ठीक है, 3m माइनस में 15, तो ये क्या हो जाएगा, m माइनस 5, है ना, क्योंकि 3m हो जाएगा और 5 को 3 से करेंगे तो माइनस 15 दे देगा इक्वल्स टू 0। हमारी ये इक्वेशन बनी है, मैं पीछे वापस से लिख रहा हूँ इक्वेशन को, इक्वेशन ये बनी है हमारी, m माइनस 5 प्लस में 3 m माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये बनी है, हाँ बिल्कुल भी यही बनी हुई है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये दो पार्ट है हमारा, इसको मैं एक तरफ कॉमन ले लूँगा, बाहर ले लूँगा, m माइनस 5 और ब्रैकेट में 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इंडिविजुअली दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, m माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो m क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 5m वहीं रहेगा, 3 इधर आके क्या हो जाएगा, इस तरफ आकर माइनस 3 हो जाएगा, है ना। अब भी क्या है, m की वैल्यू आई नहीं, m की वैल्यू क्या होगी, m इक्वल्स माइनस 3, 5 नीचे आके क्या हो जाएगा, m इक्वल्स नीचे 5 नीचे लाना पड़ेगा ना, तभी तो m की इंडिविजुअल वैल्यू आएगी। तो m की वैल्यू क्या आ गई, -3/5 और m की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज m इक्वल्स 5, या तो m 5 है और m इक्वल्स -3/5, ठीक है। तो ये पार्ट में मैं आपको सिर्फ 2 सम ही कराऊंगा, जो नेक्स्ट 2 सम है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको ये पार्ट समझा होगा। एक बार में नहीं समझेगा तो दोबारा देखो, उसको रिपीट करो, क्योंकि ये हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जब आप देख रहे हो तो कुछ कुछ आपका मिस हो जाए, तो सेकंड टाइम देखना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम में हो सकता है ना समझे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, थैंक यू वेरी मच।